गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी टीच यू साइंस स्टैंडर्ड सिंगल चैप्टर 12 सनलाइट एंड शैडो। ओके, सनलाइट एंड शैडो इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिंडर लेंस किया था एंड जो ऑल एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया था एंड जो टुडेस वर्क है वो आंसर दिस क्वेश्चन है। सो यहाँ पे फर्स्ट है व्हाई डू वी नीड लाइट, यहाँ से पूछा है कि हमें लाइट की आवश्यकता क्यों होती है। सो यहाँ पे आंसर है लाइट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, लाइट की हेल्प से हम अपने चारों ओर जो थिंग्स हैं जो वस्तुएं हैं उन्हें हम देख सकते हैं, इसलिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हाउ डज द सन हेल्प अस, यहाँ आपसे पूछा है कि सन हमारी हेल्प कैसे करता है। तो सन जो है वो हमारी हेल्प कई तरीके से करता है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे एक दिया है, एक दिया है जिसमें एक रीजन दिया है द सन हेल्प अस टू मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। जो सन है सन की हेल्प से जो दिन होता है वो वार्म गर्म और ब्राइट रहता है। ओके, चमकीला। अब सन ना हो तो आप देख सकते हो जिस दिन सन नहीं निकलता है या वो क्लाउड होते हैं सन नहीं दिखता है उस दिन, अभी सर्दियों में मौसम भी जो कैसा होता है बहुत ही ठंडा होता है और थोड़ा मतलब ब्राइटनेस नहीं रहती है। ओके, सो इस टाइप से सन हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम टू आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, यहाँ हमसे पूछा है आपसे कि टू आपको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के टू आर्टिफिशियल सोर्स बताने हैं। ओके, जो सन है वो हमारा मेन आर्टिफिशियल सन जो है वो हमारा मेन नेचुरल लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट का मेन सोर्स है। और जो यहाँ आपसे आर्टिफिशियल पूछा है या न्यू कहो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट जो मैन के द्वारा बनाई है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे टॉर्च एंड बल्ब टू पूछा है इसलिए टॉर्च एंड बल्ब, अदरवाइज ट्यूब लाइट है और भी जिससे हमें लाइट मिलती है तो और भी सोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द शैडो लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट, यहाँ आपसे पूछा है कि दिन में किस टाइम जो शैडो हमारी है छाया वो लंबी होती है एंड किस टाइम छोटी होती है शॉर्ट होती है। सो यहाँ पे आंसर है लॉन्गेस्ट शैडो इन द मॉर्निंग, यहाँ पे जो हमारी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी छाया होती है शैडो की सुबह मॉर्निंग में होती है एंड शॉर्टेस्ट शैडो इन द नून, और जो छोटी होती है वो नून में होती है। ओके, क्योंकि सन हमारे जस्ट ऊपर होता है और तो इससे हमारी जो शैडो बनती है वो छोटी बनती है। ओके, एंड ये थे आपके क्वेश्चन आंसर एंड होमवर्क में है, आप इसको राइट एंड लर्न करना है। ओके, आप अपने इसको कॉपी में लिख लेना है और लर्न कर लेना। ओके, एंड इसके आगे की जो एक्सरसाइज है कुछ बुक में एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।